कब से हो रहा है? तूने मुझे क्यों टच किया? कलंक सिंस ड्रामा आई लव दिस सो मच. देखा कैसा होता है. अरे स्लिप हो गया. तू साफ करो. फेमिनिज्म का कलंक है और ये गर्ल्स एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रही हैं. इतनी तकलीफ है ना तो खड़े हो जाओ यार. आपकी सीट पे तो नहीं आ रही ना आज. वो सीट है ना. प्लीज स्टैंड योर लिमिट. वो जो हेडिंग है वो तो सही है. हमेशा से फेमिनिज्म वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इट वाज बेसिकली रिस्पेक्ट एवरी ह्यूमन, ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन. व्हाट वी आर लूजिंग इज द फैक्ट दैट यू नो एज ह्यूमंस वी टेंड टू समटाइम्स नॉट रिस्पेक्ट एनीथिंग दैट इज नॉट ब्लेटेंटली मैस्कुलिन. इफ पीपल आर एबल टू काइंड ऑफ थिंक अबाउट यू नो फेमिनिज्म मैस्कुलिनिज्म इज नॉट जस्ट लाइक दीस पीक्स एंड देन दिस इज नथिंग, देन आई फील लाइक वी रीच टू द पॉइंट व्हिच इज आइडियल वेयर यू डू समथिंग इन योर वर्क एंड यू डोंट हैव टू थिंक दैट ये मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मेरा जेंडर है. करेक्ट. व्हेदर इट्स वर्क व्हेदर इट्स लव इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ हु यू आर. या सबकी इक्वल राइट्स हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, और इफ यू बिलीव इन दैट व्हिच यू शुड आर फेमिनिस्ट हो. बट आई थिंक दैट काइंड ऑफ कॉन्स्टेंटली नहीं, बट आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट बट सबकी अपॉर्चुनिटी सेम होनी चाहिए. नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप फेमिनिस्ट हो, एक्सेप्ट कर लो उसको. एंड इफ यू आर नॉट अ फेमिनिस्ट देन यू आर एन एसहोल. आप या तो फेमिनिस्ट हो या आप चूतिए हो. आई हैव अंडरस्टूड फेमिनिज्म वर्ड सबसे ज्यादा व्हेन आई केम इनटू कॉमेडी बिकॉज एंड आई द वुमेन जो ये फेमिनिस्ट का नारे लगा रहे थे, फॉर मी लुकिंग एट देम आई अंडरस्टूड देम एज फेमिनाजी. सो दे विल कीप फाइटिंग, लड़ाइयां करेंगी. आई थिंक बुलिंग मैन दे विल टेल के तुम ये जोक नहीं, वजाइना जोक नहीं कर सकते, लेकिन खुद डिक जोक्स करेंगी. सो आई लिटरली स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दैट बिलीव दैट आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट बिकॉज आई वुड थिंक कि मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ वो हेट मैन. आई थिंक इट्स आल्सो बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट दैट फेमिनिस्ट्स आर विलिफाइड सो मच बिकॉज़ एंड एवरीवन इज लाइक ओ ये तो फेमिनिस्ट है, स्टे अवे फ्रॉम दिस वुमन बिकॉज़ somehow this whole concept has come out that we are coming for the men and ये जो not all men वाले ना मुझे सबसे ज्यादा इन्हीं से problem होती है यार. not all men लेकिन इतने तो है ना कि अगर मैं सड़क पे हूं तो मेरे साथ कुछ ना कुछ हो सकता है. तो अभी जब ये इतना जब मी टू वगैरह ये सब हो गया तो ये सब लोग जो बाहर आके कह रहे हैं ना कि यार अब तो मतलब ठीक से बात भी नहीं कर सकते, तुम्हारा डर इसीलिए क्योंकि तुम ठीक से बात नहीं कर रहे थे. I'll disagree with you because I've seen that the hating towards कभी किसी फेमिनिस्ट ने लाइक आदमियों को गैस चेंबर के अंदर डाला है? यस और नो? यस और नो? दैट मैन बैशिंग एंड दैट थिंग. हां तो इतने सालों से वुमेन बैशिंग भी तो हो रही है. यू बी सेंचुरीज एंड सेंचुरीज ऑफ ऑप्रेशन व्हिच आर सप्रेस्ड इनसाइड एंड वांटे दे आर लाइक यू नो व्हाट फक यू. Yeah, so the stupid stylist just gave me heels, which is why my back is screwed. Check this out. Oh no, are you really wearing that, Hardin? Yes. I am so it's sorry. Such bad shape. You have no idea. मेरे पास ना एक muscle relaxant है and have this spray also. जब ये खत्म हो जाएगा हम जो भी कर रहे हैं, just come to my room. I'm coming to your room. I am so sorry. Please give me a nice massage. कब से हो रहा है? तूने मुझे क्यों टच किया? तूने मुझे क्यों टच किया? तो दोस्तों, इन 6 ABCs के बीच का कंपटीशन ना ही स्टेज ने ना स्क्रिप्टेड. गलती से हो गया यार. इट वाज जस्ट अ मिस्टेक. गलती का क्या मतलब होता है? डिक्शनरी लाके दो क्या? देखो. ओह इट्स अ बैड फाइट. द बैड फाइट उसमें देखा कैसा होता है. अरे कलंक सिंस ड्रामा आई लव दिस सो मच. वो तो आई डिडंट सी द कैमरा. और वो मिरिल्ला शी सॉ द कैमरा फर्स्ट इसलिए पहले ही नाटक करना शुरू हो गई. वो तो मैं भी सारा दिन एक्टिंग करती हूँ पर इन दैट मोमेंट आई वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज. फेमिनिज्म का कलंक है और ये गर्ल्स एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रही हैं. इज़न्ट दैट एंटी फेमिनिस्ट? वैसे मैंने सुना है कि ये फाइट भी ना रियलिटी था. रियलिटी था. Shut up! 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 Shut up
PP protein for $5.99 can help you protect your genital areas. No. Just shut the hell up. टच एक अजीब सी चीज होती है. छूने की प्रॉब्लम से इंडिया में काफी लड़कियां परेशान हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि क्या है ये टच, कैसे टच करते हैं, कौन सा है अच्छा वाला, लव वाला. एमटीवी के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है एक ऐसा अमेजिंग रियलिटी टास्क, एन एक्सपेरिमेंट नेवर डन बिफोर. योर फर्स्ट टास्क ऑफ द सीजन इज टच ए स्ट्रेंजर appropriately. Excuse me, madam. एक बड़ा बवाल मचा रखा है ये टच 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 का. मैं नहीं टच करती किसी को. नहीं तो गैर मर्दों को टच करवा रहे हैं, शादी नहीं होके देंगे ये मेरी, मुझे पता है. आज का कलंक फेमिनिज्म, नारीवाद, बाकी सब बर्बाद. मैं बहुत लोग का दिल टच करती हूँ. माई इशू वॉज इट इज अप्रोप्रिएट फॉर द स्ट्रेंजर, ओके, बट फॉर मी इट इज नॉट सो अप्रोप्रिएट बिकॉज आई डोंट लाइक टचिंग स्ट्रेंजर्स. कीप इन टच. ये सब वहीं होता है अमरीकाओं में, ठीक है, यहाँ नहीं होता ये सब. टच करो. आराम से मैम. हद हो गई यार, बोल रहा हूँ नहीं करो. नींद आ रही है भैया. हेलो, मैं पांव थोड़ा साइड में कर लीजिए. चाहिए? आई यूज दिस ऑल द टाइम, सो गुड, यू शुड ट्राई इट. इट्स वेरी स्वीट. आई एम टेलिंग यू दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स आई हैव एवर यूज्ड इन माय लाइफ. नहीं, डॉक्टर के पास चले जाओ. हाँ वही तो आ रही हूँ. इतनी तकलीफ है ना तो खड़े हो जाओ यार. आपकी सीट पे तो नहीं आ रही ना मैं. मेरी सीट पे आप पूरे आ चुके हैं. वो सीट है ना, प्लीज स्टैंड योर लिमिट. वो जो हेडिंग है वो जो ओके. आपको क्या प्रॉब्लम? कुछ नहीं, आप फ्रेंडशिप करनी है थोड़ी. नहीं मुझे नहीं. अरे भैया क्या कर रहे हो यार, सोने क्यों नहीं दे रहे हो आप? सो रहे हैं बस. सारा इधर गिर रहे हैं, आप सीधा बैठिए ना. अच्छी बात है. Excuse me. No, that's just one thing. I need to do my. One second, huh? Excuse me. Are you mad? What? Shopping? गुस्सा हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं. आपको गे फोन लगा रहे.
अरे भाई हाय हाय बंदे ने पेशाब कर दिया यार। क्या कर रहे हो आप? पीरी रही थी, धक्का मारा आपने, सारा गिरा दिया मेरा जूस। आराम से बात कीजिए, आपको हो गया? 70 रुपए का मिलता है ये जूस। जूस गया, तेल लेने के आपके शर्ट गया। गिराया धक्का लड़की को, आपने देखा मैम? हटी हटी जाए दे। अरे जा यार जा। ओ जाना आपको, जा यार जा 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 जा। इट्स अ प्रैंक, अ प्रैंक, इट्स अ प्रैंक, इट्स अ प्रैंक, इट्स अ प्रैंक, इट्स अ प्रैंक। दैट इज कैमरा, एज यू सी कैमरा, कैमरा एवरीवेयर। इनके पॉकेट में भी कैमरा है, बेबी कैमरा। आदर्श भारतीय पुरुष। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग विद अस एंड नॉट बीटिंग मी अप। थैंक यू फॉर नॉट गेटिंग एंग्री, यू आर अ वंडरफुल पर्सन। आपको ना प्रैंक किया जाए, कांग्रेचुलेशंस। आदर्श भारतीय पुरुष का अवार्ड। आप आदर्श भारतीय पुरुष बन चुके हैं, आपको मिलता है ये मेडल इस प्रैंक के पार्ट बनने का। और ये लीजिए, आप हाथ में रख लीजिए, ये लीजिए। हमारे साथ हुआ, हम बस में चढ़े तो एकदम एक लड़की हाथ, मतलब हमें जो भी कर रही थी, मैं एकदम शॉक हो गया कि एकदम ही लड़की मतलब कि आके हमें वो कर रही थी, टच वगैरह कर रही थी। I don't like touching strangers. मेरे लिए बहुत awkward था, but I see the point of the prank. तो इसलिए feminism के नाम पे मैंने दिया ये बड़ा बलिदान. तो obviously I deserve to win now. मतलब वीडियो दिखा रही थी गंदी गंदी, और बस में ऐसे ऐसे सीन, पूरी भरी हुई बस थी, उसमें एक लड़की इस तरह छेड़ना छाड़ना लड़के को समझ नहीं आया, उसके बाद थोड़ा सा बस वो ये बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि लड़कियों के साथ आजकल ये जितनी भी वारदातें होती रहती हैं कहीं ना कहीं पब्लिक प्लेसेस पे, छेड़ना छड़ाना, तो एक ये सीख भी है उनके लिए कि जो ये ऐसा लड़की का करती है कि जब लड़की तुम्हें छेड़ने में आती है तो फिर कैसा तुम्हें फील होता है, फिर तुम कैसे अनकम्फर्टेबल होकर भागते हो। बाद में पता चला कि मेरा ही प्रैंक हो रहा है, उसके बाद मेरा ही बकरा बन गया। नहीं बिहेवियर नहीं, थिंकिंग तो बदलनी पड़ेगी हमको खुद, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ गलत बात तो है कि एकदम से मैं भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था, ये चीज़ है, मैं भी बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो गया था, मैं तो थोड़ा उस टाइम घबरा गया था, तो मेरे लिए तो बहुत इरिटेटिंग था, बाकी इट्स अ गुड सोशल मैसेज। क्रिएटिविटी देख के मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं होते। जब लड़कियाँ शर्म हया संस्कार सब छोड़ के जानवरों की तरह नाचती हैं तो मेरे अंदर एक I'm fine, I'm fine, I'm fine।